अब वक्त आ चुका है कि जो महिलाएं हैं वो सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लें, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ, कैसी चीज़ें, कौन सी जिम्मेदारी, क्या बोल रही है हमारी आज की होस्ट। जी, मैं बात कर रही हूँ पब्लिक टॉयलेट से जुड़ी सुविधाओं की। जी हाँ, पब्लिक टॉयलेट्स। तो क्या आपको लगता है हमारे मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में महिलाओं के लिए काफ़ी सारे सेफ एंड क्लीन टॉयलेट्स है? और अगर है तो कितनी तादाद में है? क्या उतनी तादाद हमारी फीमेल्स के लिए काफ़ी है? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। तो आइए चले इन सवालों के जवाब आज हम मुंबई की पब्लिक से पूछते हैं। और आज के शो में हम जानते हैं पब्लिक टॉयलेट के बारे में कि पब्लिक टॉयलेट्स हमारे लिए सेफ है, सेफ नहीं है, कितने सारे टॉयलेट्स हैं, क्या उतने टॉयलेट्स हमारी फीमेल्स के लिए काफ़ी है, और हमारी मुंबई की जो फीमेल्स हैं उन्हें कितने सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक टॉयलेट विजिट करने के लिए। सो यानी जो पब्लिक टॉयलेट की ये जो समस्या है ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लेकिन इससे भी बड़ी एक समस्या है वो आप जानते हैं क्या? यानी हमारी मुंबई शहर की जो फीमेल्स है तो ये पब्लिक टॉयलेट विजिट ना करने के डर के वजह से ये पूरा पूरा दिन पानी नहीं पीती। यानी ये जो फीमेल्स है हमारी मुंबई शहर की जो पूरा दिन बस से, टैक्सी से, ऑटो से ट्रैवल करती है, तो ये पूरा पूरा दिन प्यासी रहती है बस ये सोच कर के कहीं उन्हें वॉशरूम यानी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो इन सब की वजह से एक और भी बड़ी समस्या क्रिएट होती है जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, डिहाइड्रेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है और उससे बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं।